नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल ब्लू इंडिया। मैं आपके साथ दामिनी माहौर। दिशा के हत्यारों को सजा मिलने के बाद फिर उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिलने के बाद अब हर किसी को इंतजार है निर्भया के हत्यारों को सजा मिलने का। लेकिन इस मामले में अभी एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी हुई है जिसमें उसने कहा है कि निर्भया के चश्मदीद गवाह ने पैसे लेकर टीवी चैनल्स पर झूठी बातें कही हैं जिनके आधार पर ही उसे फंसाया जा रहा है, जबकि वो उस जघन्य अपराध में शामिल ही नहीं था। इसी मामले में आज यानी 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो फिलहाल जस्टिस बोबड़े के व्यक्तिगत कारणों की वजह से टल गई है। वैसे तो इस मामले में दोषियों को सजा पटियाला कोर्ट देगी, पर उससे पहले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, तब सजा दी जाएगी। 7 सालों से मामला बिल्कुल सुलझा हुआ चल रहा था, दोषियों का दोष सिद्ध भी हो गया था, बस इंतजार था तो उन्हें सजा मिलने का। लेकिन 11 अक्टूबर 2019 को इस मामले ने एक नया मोड़ लिया जब वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस मामले पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। हुआ यूं कि 11 अक्टूबर 2019 को अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर न्यूज़ 24 और इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर रह चुके अजीत अंजुम ने बताया कि नेटफ्लिक्स पर देर रात तक दिल्ली क्राइम देखकर विचलित होता रहा। निर्भया रेप कांड पर यह सीरीज थी। मुझे याद आया कि निर्भया का वो दोस्त जो उस गैंगरेप के वक्त उसके साथ बस में था, जो अपनी दोस्त के साथ हुई दरिंदगी का गवाह था, उसके बारे में आज वो सच बताने जा रहा हूँ जो आज तक छिपा रखा था। TV9 भारतवर्ष के पूर्व कंसल्टिंग एडिटर अजीत अंजुम ने इसके बाद लगातार एक के बाद एक ट्वीट्स में कहा कि वाकया सितंबर 2013 का है। निर्भया रेप कांड के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। सभी चैनलों पर निर्भया कांड के बारे में लगातार कवरेज हो रहा था। मैं उस वक्त न्यूज़ 24 का मैनेजिंग एडिटर था। निर्भया का दोस्त कुछ चैनलों पर उस जघन्य कांड की कहानी सुना रहा था। मैंने भी अपने रिपोर्टर्स को निर्भया के दोस्त को अपने स्टूडियो लाने की जिम्मेदारी दी। कुछ देर में मुझे बताया गया कि उसका दोस्त अपने चाचा के साथ ही स्टूडियो जाता है और इसके बदले में वो हजारों रुपए लेता है। सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, उस लड़के पर बहुत गुस्सा भी आया। मैं इस बात पर बौखलाया था कि जिस लड़के के सामने उसकी गर्लफ्रेंड गैंगरेप और दरिंदगी की शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गई हो, उसकी दास्तान सुनाने के बदले वो लड़का चैनलों से डील कर रहा है। मैं उसको लगातार टीवी पर देख रहा था, मुझे उसकी आंखों में कभी दर्द नहीं दिख रहा था। मैंने फैसला किया कि पैसे मांगते और पैसे लेते हुए निर्भया के इस दोस्त का स्टिंग करूंगा और ऑन एयर एक्सपोज करूंगा। उसकी जगह मैंने खुद को रखकर कई बार सोचा, लगातार सोचता रहा, वैश्यों की शिकार दोस्त की चीखें जिसके कानों में गूंजी होंगी वो पैसे से लेकर चैनल्स को कहानी सुनाएगा। मेरे रिपोर्टर ने मेरे सामने बैठकर मोबाइल से उस लड़के के चाचा से बात की। उसने 1 लाख लेकर स्टूडियो में आने की बात की, कम करके 70,000 पर बात तय हुई। मैंने सोचा कि कहीं चाचा तो भतीजे के नाम पर पैसे नहीं ले रहा। मैं चाहता था कि पैसे उस लड़के के सामने दिए जाएं। निर्भया के उस दोस्त के सामने स्टूडियो इंटरव्यू के लिए 70,000 दिए गए। खुफिया कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ, फिर उसे स्टूडियो में ले जाया गया। 10 मिनट की बातचीत के बाद ऑन एयर ही उस लड़के से पूछा गया कि आप निर्भया की दर्दनाक दास्तान सुनाने के लिए चैनलों से पैसे क्यों लेते हैं। हमने तय किया था कि ये शो पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर तय करेंगे कि क्या करना है। वो लड़का पैसे लेने की बात से इनकार करता रहा। फिर रिकॉर्डिंग के दौरान ही उस लड़के को ऑन स्क्रीन ही उसके स्टिंग का हिस्सा दिखाया गया। तब उसके होश उड़ गए, कैमरों के सामने उसने माफी मांगी। न्यूज 24 के स्टूडियो से बाहर आने के बाद मैं खुद उसे जलील करता रहा। मेरा गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर था कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने दरिंदगी की शिकार हुई, तुम बच गए, वो मर गई, और तुम उस वारदात को सुना सुनाकर चैनलों से लाखों रुपए कमाने में लगे हो। दूसरे माले के स्टूडियो से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक न्यूज रूम के साथ ही जमा हो गए थे। सब गुस्से में थे कि कैसे ये लड़का है जिसने निर्भया की कहानी को कमाने का जरिया बना लिया है। सब चाहते थे तुरंत पूरा शो ऑन एयर हो ताकि हकीकत पता चले। तब तक सभी चैनल उस लड़के का इंटरव्यू दिखा रहे थे। निर्भया के उस दोस्त को मैं जितना सुना सकता था सुनाया। उस शो को ऑन एयर करने के लिए करीब करीब पूरा न्यूज रूम एक तरफ और मैं एक तरफ। रिकॉर्डिंग के बाद उसे ऑन एयर नहीं करने का फैसला मेरा था। रिकॉर्डिंग के बाद मुझे लगा कि कहीं आरोपियों के वकील इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में ना कर लें। इसके साथ ही एक ट्वीट में अजीत अंजुम का यह भी कहना था कि उस वक्त जब कई चैनल निर्भया के इस दोस्त के लंबे लंबे इंटरव्यू चला रहे थे, तब अगर हमने 1 घंटे का ये स्पेशल शो और स्टिंग चला दिया होता तो रेटिंग भी आती, हंगामा भी मचता, देश भर में चर्चा भी होती और चैनल का नाम भी होता। फिर भी मैंने सोच समझ कर फैसला लिया कि इसे नहीं चलाना है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के इन ट्वीट्स के बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को सही फैसला लेने में कुछ मदद मिले और इस मामले से जुड़ी
अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल ब्लू इंडिया। नमस्कार।